बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक है, सॉरी अगेन। पक्षी का नाम सागर बाज है, याद रखना दोस्तों। ये जो बाज होता है ना, बाज, आप आपको पता होगा इसकी जो एज होती है, इसकी जो एज होती है पता कितनी होती है, ये दोस्तों लगभग 70 वर्ष जीता है। लेकिन इंसानों की तरह क्या होता है इसका भी याद रखना, इसकी एज होती है जब ये 30 से 40 वर्ष का हो जाता है, तब पता क्या होता है इसके शरीर पर, इसकी जो चोंच होती है ये बढ़ जाती है, मुड़ जाती है, लिपट जाती है, आगे ऐसी होती है ना, वो ऐसी हो जाती है। इसके नाखून बहुत ज्यादा बड़े होकर मुड़ जाया करते हैं, जिससे ये बैठ नहीं पाता, शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख हैं बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, वजन हो जाता है, जो ये उड़ नहीं पाता। फिर क्या करता है पता है, दो रास्ते इसके पास होते हैं, या तो मर जा या तो इन सबको त्याग दे। फिर क्या करता है पता है, 90 दिन का प्रोसेस होता है, 90 दिन का, और ये 90 दिनों के लिए ये पहाड़ों पर चला जाता है बिना खाए पिए। पर एक ही काम इसका होता है, अपने जो नाखून होते हैं इनको पहाड़ों पर रगड़ना 90 दिन तक। अपनी चोंच को जब पहाड़ों पर ये रगड़ता है, अपनी चोंच को उसमें पहाड़ों पर मारता है, इसको तोड़ देता है, खून निकल आता है, सब कुछ मुंह भत्ता हो जाता है। इसके जो नाखून होते हैं ये हाथों से टूट जाया करते हैं। फिर क्या होता है, नई चोंच और नए नाखूनों का निर्माण। फिर अपने पेड़ों, अपने जो पेड़ होते हैं ना बड़े बड़े छाल के, और जो उड़ता रहता है और पेड़ों में फंस जाता है जाके, फिर क्या होता है, पंख टूटते हैं इसके, नए पंख जमते हैं। इतना सारा करने के बाद में वापस आता है अपनी दुनिया में फिर से शिकार करने के लिए। याद रखना, कुछ तो सीखो इस बात से ही सीख लो। जरूरी नहीं कि आपको अगर कोई चीज नहीं आती है तो आप उससे पीछा छुटा लो। हर इंसान आपको ये बात नहीं बताएगा, बस इतना याद रखना, जिस एज में हम आपके सामने हैं उस एज की बात कर रहे हैं, बहुत